उत्तर प्रदेश को संभावनाओं और उद्योग के क्षेत्र में एक बेहतर प्रदेश बनाने की मुहिम में लगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उद्योगपतियों और निवेशकों से मिलने मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई बैंकरों, नामी उद्योगपतियों और बॉलीवुड जगत की हस्तियों से मुलाकात कर यूपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही नोएडा में भी मुंबई की तरह फिल्म सिटी का निर्माण होने की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दो दिवसीय मुंबई दौरे के दौरान दिग्गज उद्योगपतियों, वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थाओं के प्रमुखों, बड़े नामचीन कारोबारियों और फिल्म जगत से जुड़े लोगों को यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया। सीएम योगी ने फिल्म जगत की हस्तियों के साथ एक मीटिंग के दौरान उन्हें बताया कि उत्तर प्रदेश में कला से जुड़े क्षेत्र के लोगों के लिए नोएडा में बहुत बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। इसके पास ही सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट का भी निर्माण हो रहा है। यूपी सरकार वेब सीरीज के क्षेत्र में भी सब्सिडी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रही है। उत्तर प्रदेश का जो तराई का क्षेत्र है, उसमें हमारे तमाम नेशनल पार्क, राष्ट्रीय सैकड़ों वर्षों की विरासत उसके साथ जुड़ी हुई है। बुंदेलखंड में किले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े थे। फिल्म शूटिंग के लिए सभी कनेक्टिविटी की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, सुरक्षा के साथ साथ कनेक्टिविटी, यहां तक उत्तर प्रदेश के अंदर आप सबको प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश ने कला के क्षेत्र में किसी कालखंड में बहुत बड़ा योगदान दिया, आज भी दे रहा है, और उस विरासत को संरक्षित करना, उसे प्रोत्साहित करना, इसे हम अपना दायित्व समझते हैं। और उसी दायित्व के तहत जब मैं यहाँ मुंबई में मेरा आना होता है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि सभी इस भीड़ से जुड़े थे जो महानुभाव हैं, उन सभी के साथ एक संवाद का कार्यक्रम जरूर बने। और उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण की भी जो हमारी प्रवर्तमान कार्यवाही है, ये उसी का हिस्सा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसमें रुचि लें। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कैसे होनी चाहिए, आज की जो चैलेंजेस हैं, आने वाले 50 और 100 वर्षों के अंदर टेक्नोलॉजी कहाँ जाने वाली है, उस चुनौती के लिए हम अभी से अपनी तैयारी कर पाते हैं, और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी पूरा सहयोग आपको करेगी, हर प्रकार से उसे आगे बढ़ाने में योगदान देगी। इस फील्ड में आप लोगों की विशेषज्ञता है, किसी में कोई एक्टर के रूप में, कोई प्रोड्यूसर के रूप में, कोई किसी अन्य रूप में अपना योगदान दे रहा, तो स्वाभाविक रूप से उन चुनौतियों के बारे में भी आप ही जानते हैं, और उनकी समस्या कैसे होनी, उस समस्या के समाधान का मार्ग भी आप ही को सुझाव देना है। आप सबने बहुत अच्छे सुझाव यहाँ पर दिए हैं, उन सभी सुझावों को हमारी टीम ने नोट भी किया है और उनका हम समाधान भी करेंगे। मेरे सामने कुछ चीजें सामने आई थी, जो बातें आई हैं उसमें खासतौर पर एक तो जो वेब सीरीज में जो प्रदेश में पिछली बार भी मेरे सामने बार बार आ रही थी कि जो हमारी फिल्म पॉलिसी है यूपी की, उसमें भी वेब सीरीज जो प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज है, उसमें भी हम लोग प्रदेश में जो सब्सिडी यूपी के अंदर हम देते थे, तो उसमें भी हम 50% तक सब्सिडी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, और उससे काफी कलाकारों को उससे लाभ होगा। वेब फिल्मों के लिए भी हम लोग प्रदेश में जो लागत का 25% तक की छूट हम उसमें उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। स्टूडियो और लैब्स के लिए भी प्रदेश में हम लोग 25% तक छूट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराने के कार्य को हम लोग बहुत शीघ्र उसको संशोधित करने जा रहे हैं, और उसका लाभ उत्तर प्रदेश में कोई भी डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर इसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर ले सकता है इस फील्ड में आकर के। वही इस बीच बैठक के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने सीएम योगी से चलाए जा रहे बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर अपना दर्द बयां किया और उनसे सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को खत्म करने के लिए मदद करने की अपील की। सुनील शेट्टी ने सीएम योगी को बताया कि फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग ड्रग्स का नशा और गलत काम नहीं करते। हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड एक खतरनाक ट्रेंड है जो आपके कहने से रुक सकता है। हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है, न
99% लोग हम वैसे हैं नहीं, हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी म्यूजिक, हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहें तो बहुत फर्क पड़ सकता है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ इस बैठक में अभिनेता जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, बोनी कपूर, सोनू निगम, राजपाल यादव, रवि किशन, भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ भी शामिल हुए। इन सभी ने यूपी में बनाई जा रही फिल्म सिटी को लेकर अपने अपने सुझाव दिए और यूपी सरकार की ओर से कला के क्षेत्र में किए जा रहे ऐसे विकास कार्यों की तारीफ की और वेब सीरीज को यूपी सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी को एक बेहतरीन कदम बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।